नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केशव खेरा और आज आप सभी के लिए मैं एक और नए ईयरफोन की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ। मेरे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि 1000 रुपये के अंदर कोई अच्छा सा ईयरफोन्स मैं सजेस्ट करूँ आपको जो कि ब्लूटूथ हो खास तौर पर। तो उन सभी की क्वेरी इस वीडियो के पास कुछ हद तक सॉल्व जरूर हो जाएगी। तो बता दूं मैं आपको कि ये PTron कंपनी ये ईयरफोन्स लेकर आई है। टेंजेंट प्रो इसका नाम है और वायरलेस स्पोर्ट्स नेकबैंड है और इसकी कीमत है 999 रुपये। तो चलिए बिना किसी देर के इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ईयरफोन्स कैसे हैं और क्वालिटी कैसे, साथ साथ थोड़ा बहुत मैं आपको साउंड क्वालिटी का भी अंदाज़ा बता दूंगा क्योंकि एक्चुअली में ये ईयरफोन्स हैं तो हम इसकी साउंड क्वालिटी को डायरेक्टली टेस्ट नहीं करके दिखा सकते। अब देखते हैं कि खुलते कहाँ से हैं। यहाँ से इसको हम खोल देते हैं। हालांकि पैकिंग ऐसी नहीं थी, इसके ऊपर एक सेलो फेम लगी थी, वो मैंने ऑलरेडी उतार दी थी। इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं ये ईयरफोन्स। ये रहे ईयरफोन्स, रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन से अच्छे लगते हैं ये। और साथ साथ ये इसकी एक चार्जिंग केबल, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल है, यहाँ पर आप इसे कनेक्ट करके चार्जिंग में लगा सकते हैं। आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूँ तो कंपनी ने मेंशन किया है कि इसमें आपको स्टैंड बाय टाइम 100 आवर्स का मिलता है और अगर आप इसमें लगातार गाने सुनेंगे तो 6 घंटे तक ये ईयरफोन्स सर्वाइव करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको 140 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है जो कि चार्जिंग के लिए 2 घंटे रहती है और इसमें जो आपको इनपुट वोल्टेज देनी है वो 5 वोल्ट होनी चाहिए। मैग्नेटिक ईयरफोन है और वायर इसकी ठीक ठाक लग रही है। मैं इसको बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं कहूँगा, ठीक ठाक क्वालिटी लग रही है। साथ साथ ये फ्लेक्सिबल है तो आप इसको कैसे भी एडजस्ट करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको पूरी तरह से मोड़ दिया है तो ख़राब नहीं होंगे ये। तो आप देख सकते हैं कि सैमसंग के भी कुछ फ्लेक्सिबल ईयरफोन्स आते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं दूसरे ब्रांड के फ्लेक्सिबल ईयरफोन, लेकिन कंपनी आपको कम रेंज में ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन मुहैया करवा रही है और आप चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए एक क्लिप दिया है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर प्लस और माइनस वॉल्यूम के लिए मिल जाता है और ये प्ले और पॉज करने के लिए बटन दिया गया है। तो चलिए एक बार इसको हम अपने ब्लूटूथ फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और एक बार छोटा सा डेमो देखते हैं और चेक करते हैं कि मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको सुना पाऊँगा या नहीं, क्योंकि ईयरफोन्स हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती, इसलिए टेस्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, पर फिर भी ट्राई किया जाए। इसको मैंने ये खोल दिया है, यहाँ से इसको मैं ऐसे रख देता हूँ और मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसको पहले यहाँ से ऑन कर लिया जाए, ऑन हो चुके हैं, ये ऑन हो गए हैं। कैसे पता चलेगा, फ़िलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको पता चल सके, सिर्फ़ आप इसे कान में लगा के ही चेक कर पाएंगे कि ऑन हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PTron टेंजेंट प्रो यहाँ पर लिखा गया है। मैं इस पर क्लिक करके इसको पेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ, पेयर कर देते हैं और कनेक्टेड लिखा गया है, एक्टिव 80% बैटरी भी लिखा है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम देख सकते हैं कि इसकी 80% बैटरी है और इसको हम कितनी देर इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब मैं VLC प्लेयर खोल के इसमें कोई गाना प्ले करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर एक मैं पंजाबी गाना चला देता हूँ और इसकी वॉल्यूम फुल कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए ऑडियो क्वालिटी का। फ़ोन को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ और इनको उठा लेता हूँ। आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी पर मैं आपको बता दूँ कि ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है और एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सुनाई दे रही है एक्चुअली आवाज़ यहाँ तक, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी इसकी डिसेंट है। अभी एक बार मैं अपने माइक के पास इसके ईयरपीस को लाता हूँ, आपको ऑडियो क्वालिटी का अंदाज़ा दिखाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, माइक को उतार लेते हैं और आपको ऑडियो क्वालिटी दिखाते हैं। तो आपने देखा कि ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है, बाहर तक आपको आवाज़ सुनाई दे रहा था थोड़ा बहुत, तो इस हिसाब से काफ़ी लाउड है। और एक बार मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ साथ साथ, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बेस भी आपको इसका ठीक लगेगा
और आई एम श्योर कि अगर आप इसको खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आपका ये डिसीजन गलत नहीं होगा। पर एनीवे, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स मुझे लिख के बताएं। हमेशा की तरह अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।